गुरु में से कोई ऐसा नहीं नजर आएगा जो एक इस बार फिर जगह मांगने के लिए या किसी कब्जेदार को सपोर्ट करे। गरीब खुशी हो गई की सेवा प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। और सर सुनो, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस, आपने तगमा के जाना तो नहीं है, फायदे खान उनसे करना है। पूरे जिससे मुकाबला वो इतने बदमाश ताकतवर पॉलिटिकली स्ट्रांग पैसे से स्ट्रांग अदालत को खरीदने वाले, इसलिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए हमारी टीम में डॉक्टर मुइन, ये हमारा बहुत अच्छा साथी है, ये फिरदौस भाई है हमारे, ये दुसरत भाई है, ये हमारा बबू भाई, बहुत बेरोस नौजवान है भाई, ये हमारे शोएब भाई बहुत मेहनत से काम करते हैं, हमारे सलीम भाई भी है, सब साथी है। रात में मीटिंग हुई, मैंने उनसे कहा मैं पूना के भाई ने औकाफ की एक जमीन के सिलसिले में हमारे चंद बुजुर्ग भाई सिराजुद्दीन नजमुद्दीन और उनके साथी हमारे पास आए थे। उनकी गुजारिश ये थी कि गट नंबर 2 सर्वे नंबर 2 फतियाबाद गंगापुर तालुके में एक मुसलमानों का कब्रस्तान है, दरगाह भी है और साथ में कब्रस्तान भी है जी। अब उस जमीन पर PWD वाले एक बड़ा रास्ता बना रहे हैं, जबकि वो रास्ते का ना वहाँ सैंक्शन है ना उसका टेंडर है, सैंक्शन और टेंडर दूसरी जगह का है मगर वहाँ रास्ता बना रहे हैं। जब कोई ज़मीन पर रास्ता बनाया जाता है और जब औकाफ की ज़मीन हो तो वक्फ बोर्ड का NOC वक्फ बोर्ड की मंजूरी मुतवरी को मुआवजा वक्फ बोर्ड को मुआवजा देना पड़ता है। ये तमाम बातों से हटकर गैर कानूनी तौर पर औकाफ की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश करते हुए रास्ता बनाने का काम चल रहा। इन साहिबीन ने वक्फ बोर्ड के ऑफिस में शिकायत दी थी, वक्फ बोर्ड के CO साहब ने 9 जुलाई को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD को खत लिखा था, दूसरे अथॉरिटीज़ को भी खत लिखा था, मगर अब तक उनके कान पर जू नहीं गई। आज हम इस डेलीगेशन के माध्यम से जिसमें शहर ज़िला सदर मोहतरम शाइख नक्शबंदी साहब हैं, मशरक़ी हल्के के सदर दस्तगीर भाई हैं, MIM के बबरू भाई हैं, हमारे दूसरे जिम्मेदार में हमारे फिरदौस भाई जान, हमारे अकरम भाई, शोएब भाई, हमारे फखरुद्दीन भाई, हमारे सलीम भाई, हारून भाई, अजीम भाई, अकरम भाई, सब जमा है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, हमारे जज्बाती नौजवान साथी अमजद खान चाचू ने इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया, सबको जमा किया और एक अहम मिशन को अंजाम दिया। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से गुजारिश की है, ज़रूरत पड़े तो इन डाकुओं के खिलाफ जिन्होंने फसोनू का काम कर रहे हैं फौजदारी मुकदमा दाखिल किया जाए। हमने कहा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल यहाँ मौजूद है, वक्फ ट्राइब्यूनल से इंजंक्शन लिया जाए। और मुझे कहते भी ये थोड़ा ठीक दिखता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमारी बातों को सुना, हमने उनसे कहा है कि जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े साम दाम दंड जो तरीके से हो MIM